नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तराखंड राज्य के टिटारी गढ़वाल जिले में से धनौल्टी के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और धनौल्टी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और इसे घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी ए टू जेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी के वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका धनौल्टी को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको धनौल्टी से रिलेटेड पूरी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं धनौल्टी की। लगभग 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित धनौल्टी पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जो पहाड़ों की राजधानी मसूरी से लगभग 58 किलोमीटर और चंबा रूट से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पहाड़ी शहर मखमली रोडोड्रोन, देवदार और ऊंचे ओक के जंगलों से घिरा हुआ हरी भरी ढलानों, ताजी हवा, शांति और एकांत वातावरण और सुरम्य पहाड़ी दृश्यों के लिए जाना जाता है। क्योंकि धनौल्टी एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आने के बाद लोगों को एक अलग ही शांति का अनुभव प्राप्त होता है, जहाँ पर घूमने के लिए अधिकतर टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। दोस्तों अब बात करें कि अब धनौल्टी घूमने कब जाए। वैसे तो धनौल्टी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अप्रैल से जून और सितम्बर से जनवरी तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर काफी सारे त्यौहार होते हैं और मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना होता है, जिससे कि टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और साथ ही देश के दूसरे हिल स्टेशनों की तरह धनौल्टी में पूरे साल ठंडी का मौसम होता है, जिससे कि ये प्लेस गर्मियों में घूमने के लिए बहुत ही खास प्लेस होती है। दोस्तों अब बात करें कि आप धनौल्टी कैसे पहुंचे। वैसे तो धनौल्टी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आप देश के किसी भी कोने से बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप धनौल्टी बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहां का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट देहरादून रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से धनौल्टी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से धनौल्टी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 70 से 80 रुपए पर पर्सन होता है और वहीं शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 250 से 300 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप धनौल्टी फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से धनौल्टी की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एयरपोर्ट के बाहर से धनौल्टी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 100 से 150 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 800 से 1200 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप धनौल्टी बस से जा रहे हैं तो धनौल्टी के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून आदि जैसे शहरों से आप बस पकड़ कर डायरेक्ट धनौल्टी तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप धनौल्टी अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में से धनौल्टी की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते, मौज मस्ती करते हुए हसीन को देखते हुए धनौल्टी पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप धनौल्टी में अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप धनौल्टी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप देहरादून रेलवे स्टेशन के आसपास या धनौल्टी के बेस कैंप के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम लगभग 1000 से 2000 रुपए तक में काफी आसानी से मिल जाएगा, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कि धनौल्टी में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पर जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको धनौल्टी में कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 150 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप धनौल्टी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले सुरखंडा देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय शक्ति पीठों में से एक यह मंदिर देवी पार्वती के समर्पण में बनवाया गया है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए काफी भक्त और टूरिस्ट आते जाते हैं। और आपको बता दें कि इस मंदिर की चढ़ाई काफी ज्यादा कठिन है, जिससे कि ये जगह देखने लायक और शांति से भरपूर है। इसी के साथ ही आप यहाँ इको पार्क भी घूम सकते हैं। देवदार और ओक के पेड़ों के साथ लगभग
13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पार्क धनौल्टी के सबसे अधिक देखी जाने वाली प्लेसेस में से एक है और यह खूबसूरत पार्क समुद्र तल से लगभग 7,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको बता दें कि इस आकर्षण पार्क का निर्माण DFO और धनौल्टी के नागरिकों द्वारा गरीबों को कम करने तथा गरीब लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकसित किया गया था। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ एप्पल ऑर्चिड रिसोर्ट भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। यह रिसोर्ट अपने ताजे फलों के लिए जाना जाता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेब पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप एप्पल ऑर्चिड रिसोर्ट घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ के सबसे रसीले सेबों सनबेरी और गोल्डन डिलीशियस आदि जैसे कई प्रकार के सेबों का स्वाद लेना ना भूलें। और यहाँ पर सेबों की खेती और बिक्री दोनों ही की जाती है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ धनौल्टी एडवेंचर पार्क घूमना ना भूलें। यह पार्क एक ऐसा स्थान है जो आपको वैली क्रॉसिंग, जिप स्विंग, स्काई वॉक, स्काई ब्रिज, जिप लाइन, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग आदि जैसे साहसिक खेलों का आनंद आप इस पार्क में ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ शिविर थंग घर भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। शिविर थंगर धनौल्टी के सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में से एक देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और शिविर में आप रॉक क्लाइंबिंग, स्नो कैंपिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग आदि आयोजित गतिविधियों का आनंद आप ले सकते हैं। और लगभग 8,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शिविर थंगघर घूमने के लिए सबसे खास प्लेस है। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है धनौल्टी में जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे तेहरी डैम, दशावतार मंदिर, देवगढ़ फोर्ट, कौड़िया वन और चंबा आदि जैसे धनौल्टी में घूमने की टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका धनौल्टी को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो धनौल्टी कैसा प्लेस है जहाँ पर घूमने के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए कम से कम आपको 2-day 1-night का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप धनौल्टी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप धनौल्टी को घूमने के लिए और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए 2-day 1-night का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6,000 से 7,000 पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि धनौल्टी में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और इसे घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे और साथ ही आप यहाँ पे स्टे करने के लिए किस टाइप की रूम की बुकिंग करते हैं और धनौल्टी घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।